काले जंगल में बाघों का झुंड दहाड़ता है, गरज कर धरती पर उतरती है, तो समझ लो आ गया है कांगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इस हफ्ते मतलब कि 14 नवंबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है तमिल लैंग्वेज मूवी कंगुआ, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर सूर्या, पॉपी देओल, दिशा पतानी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इस मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है और इस मूवी के फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे कंगुआ मूवी का जो टोटल बजट है वो लगभग 350 करोड़ के आसपास का है, जो ही काफ़ी अच्छा खासा बजट तो है ही। तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 6000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे ये मूवी अपने रिलीज होने से पहले ही लगभग 178 करोड़ के आसपास का प्री रिलीज बिजनेस भी कर चुका है, तो उसी के चलते इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेने के लिए लगभग 356 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ेगा। जो कि यह मूवी कर पाता है कि नहीं, ये तो हमें इस मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन से पता चल ही जाएगा। जहाँ पे यह मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को हमारे इंडिया से लगभग 26 करोड़ से लेकर 28 करोड़ के आसपास का ऑल लैंग्वेजेस में क्रॉस कलेक्शन किया है, जिसका कि जो नेट कलेक्शन है वो लगभग 22 करोड़ से लेकर 24 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस मूवी ने ओवरसीज से भी लगभग 18 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ मूवी ने ओवरसीज से भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है। जिन सारे कलेक्शन को अगर टोटल किया जाए तो यहाँ पे कंगुआ मूवी के फर्स्ट डे का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास का चला जाता है, जो कि एक डिसेंट सा तो कलेक्शन है। पर यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि कंगुआ मूवी का जो रिव्यू है वो हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिला है, तो उसी के चलते आने वाले टाइम पे इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत कम होगा, इस बात का अंदाजा तो हमें अभी से लग चुका है। जहाँ पे वैसे भी तमिल लैंग्वेज की मूवी हमारे इंडिया में हिंदी डब होके खास स्क्रीन रिलीज नहीं होता, जबकि कंगुआ मूवी को अच्छे खासे तरीके से प्रमोट करते हुए हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी स्क्रीन रिलीज किया गया। पर यहाँ पे मूवी का रिव्यू अच्छा ना निकलने के वजह से और मूवी ऑडियंस को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, तो उसी के चलते इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें कम होते हुए तो देखने को मिलेगा ही। जहाँ पे मूवी जैसे तैसे बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले ले, यही इसके लिए बड़ी बात होगा। अब इस चीज़ का मेन रीज़न क्या है ये तो आपको मूवी देख के पता चल ही जाएगा। मैंने पर्सनली इस मूवी को अब तक नहीं देखा है, अगर मैं देखता हूँ तो आप लोगों को एक छोटा मोटा रिव्यू देके ज़रूर बताऊँगा। वैसे अगर आप लोगों ने इस मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी के लिए क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।